बड़ी खबर मृत्युंजय, बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, अंकित गुप्ता हमें ये जानकारी दे रहे हैं। अखिलेश आइए सीधे अंकित गुप्ता का रुख कर लेते हैं। अंकित क्या जानकारी मिल रही है, रिया चक्रवर्ती जेल में ही रहेंगी अभी? अंकित गुप्ता तो बड़ी खबर इस समय की एक बार फिर आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज की सेशंस कोर्ट ने, इसका मतलब रिया चक्रवर्ती अभी जेल में ही रहेंगी। अंकित गुप्ता क्या कहा फैसले में कोर्ट ने? जी निश्चित तौर पर अदालत का जो फैसला है उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि अभी जिस स्टेज पर ये मामला है उस स्टेज पर इन लोगों को जमानत नहीं दी जा सकती, लिहाजा इन सबकी याचिका खारिज की जा रही है। यानी कि रिया, उनके भाई शौविक समेत जो कुल 6 आरोपी थे उन सभी की जमानत याचिका बॉम्बे की सेशंस कोर्ट ने खारिज कर दी है। तो रिया की जमानत याचिका खारिज हो गई है, यानी अभी जेल में ही रहेंगी रिया चक्रवर्ती। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बहुत बड़ा झटका रिया चक्रवर्ती के लिए, अभी जेल में ही रहना होगा क्योंकि उनकी जो जमानत की याचिका अदालत में थी उसे अदालत ने खारिज कर दिया है। अंकित गुप्ता अब रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे के पास क्या विकल्प आप देख रहे हैं, क्योंकि अब शनिवार इतवार भी पड़ रहा है, ऐसे में क्या कोर्ट में सुनवाई हो पाएगी अगर हायर कोर्ट में जाते हैं बेल के लिए? अभी जो है रिया के पास में ज्यादा कोई विकल्प नहीं है, उनको हाईकोर्ट का दरवाजा तक चलाना पड़ेगा, लेकिन ये तो साफ हो गया तो शायद किसी तरह कि अगले 2 से 3 दिन तक रिया को और उनके भाई शौविक समेत सभी लोगों को जेल में वक्त गुजारना पड़ेगा। यानी रिया चक्रवर्ती के लिए एक बहुत बड़ा झटका, क्योंकि उनके वकील का यह कहना था कि इस स्टेज पर उनको जमानत दी जानी चाहिए, जबकि एनसीबी अपनी पूछताछ पूरी कर चुकी है, उनको न्यायिक हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं बनता है। लेकिन कोर्ट ने जो अपना ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा उसमें सिर्फ इतना खारिज हो गई रिया जज ने क्या कहते हुए तो रिया चक्रवर्ती को अभी जेल में ही रहना होगा। वकील से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रही है और हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता लगातार हमारे साथ हैं। अंकित गुप्ता क्या बेसिस दिया है कोर्ट ने इस जमानत को खारिज करने का? कोर्ट का भी डिटेल्ड ऑर्डर नहीं आया है, कोर्ट ने सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा है। उन्होंने इतना कहा है कि एट दिस स्टेज बेल कांट बी ग्रांटेड, क्योंकि पूरा आदेश जो मराठी में पढ़ा गया है, लिहाजा मैं जितना बता सकता हूँ उसका जो सार यही है कि अभी इस मुकाम पर जांच की, जिस मुकाम पर अभी जांच चल रही है उस मुकाम पर किसी भी आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कल जब एनसीबी की दलीलें थी उसका एक मुख्य आधार यही था कि रिया को न्यायिक हिरासत में भेजने का मतलब ये नहीं है कि हमारी जांच खत्म हो गई, अभी तो ये जांच एक अहम मोड़ पर है। ऐसे में अगर ये लोग आई नहीं, अवेलेबल नहीं, इट विल बी अवेलेबल सून। क्या लग रहा है क्यों खारिज हुई? वी कांट से एनीथिंग, वी आर नॉट एट दैट पोजीशन। दीपेश सावन द एडवोकेट अली बुबेरे एंड अब्दुल्ला सर, व्हाट हैपेंड टू द कोर्ट केस? तो दीपेश सावंत के वकील को आपने सुना, बहुत बड़ी खबर है, जितने आरोपी इस मामले के हैं सबकी जमानत की याचिका खारिज हो गई है। अंकित गुप्ता, मृत्युंजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं कोर्ट के बाहर से। मृत्युंजय आपके पास कुछ और अपडेट, कुछ और जानकारी मिल पा रही है, क्या आधार बना कि जमानत खारिज हो गई रिया की? देखिए पूरा ऑर्डर कॉपी पढ़ना होगा, लेकिन आज सिर्फ जो शुरुआत में ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा गया इसमें यही कहा गया कि ऑल 6 आर रिजेक्टेड, लेकिन जो वकील बाहर निकल कर आ रहे हैं उन्होंने ये कहा है कि जो एक नेक्सस के बारे में बात किया है एनसीबी ने कि ये सिर्फ शुरुआती कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, एक बहुत बड़ा ड्रग रिंग पूरे शहर में फैला हुआ है, एक नेक्सस है, और रिया चक्रवर्ती शौविक या अन्य जो है ये बहुत छोटे छोटे प्यादे हैं, हमें और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, यही इसी आधार को मजबूती से रखा था एनसीबी ने, और कहीं ना कहीं एनसीबी के इस बात से संतुष्टि दिखाई और इसको लेकर फिर ये रिजेक्ट कर दिया गया। मैं थोड़ा दीपेश के जो वकील हैं वो यहाँ पर खड़े हैं, मैं उनसे पूछूं कि क्या उन्हें और कुछ जानकारी मिल पाई और उन्होंने कोई अपनी बात रखी, उनसे हम एक बात कर लेते हैं। कोर्ट में आज क्या हुआ, क्या कितना समय लगा? बीन ओनली इन्फॉर्म्ड दैट बेल एप्लीकेशंस आर रिजेक्टेड, रीजनिंग ऑर्डर इज येट टू कम व्हिच विल बी कमिंग सून इन एन आवर। ग्राउंड दिया कुछ? ग्राउंड आप अंदर? नो ग्राउंड्स आर सेड, नथिंग, ओनली अनाउंस दैट ऑल द बेल एप्लीकेशंस एट दिस मोमेंट आर रिजेक्टेड, रीजनिंग ऑर्डर विल बी अवेलेबल इन एन आवर। देन ड्रग नेक्सस की बात की गई, एक नेटवर्क की बात की गई, ड्रग नेक्सस नेटवर्क की बात की गई, वही रीजन आप मान सकते हैं कि ये रिजेक्ट? मे बी इट माइट बी, और मे बी द इन्वेस्टिगेशन इज एट अ क्रूशियल स्टेज, सो मे बी बिकॉज ऑफ दैट। देखिए ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि इन्वेस्टिगेशन इज एट अ क्रूशियल स्टेज, बहुत शुरुआती चरण में है ये जांच और शुरुआत के 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इस वजह से अभी और भी लोगों की जांच करनी है, पूछताछ करनी है, और अगर एक बड़ा ड्रग रिंग है, एक बड़ा ड्रग नेक्सस है, तो कहीं ना कहीं इसीलिए इस मामले में इन्हें जमानत नहीं दिया गया, और 6 के 6 जो आरोपी हैं, रिया है, शौविक है, सैमुअल है, दीपेश है, इन सभी के बेल रिजेक्ट कर दिए गए, यानी कि रिया तो
गुप्ता और अन्य जो आरोपी हैं आज जेल में ही रहने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है मृत्युंजय, बड़ी जानकारी लगातार एबीपी न्यूज अपने दर्शकों को दे रहा है। रिया चक्रवर्ती अभी जेल में ही रहेंगी, 6 के 6 आरोपियों की बेल रिजेक्ट कर दी गई है। अंकित गुप्ता, सबसे ज्यादा अहम हो जाता है कोर्ट ने अपने आदेश में क्या व्याख्या की है, क्या वजह बताई है कि अब ये बेल नहीं दी जाएगी, ये बहुत अहम होगा जानना। निश्चित तौर पर ये बहुत अहम हो जाता है, लेकिन शोभना जब जो इस तरीके का कोई ऑर्डर पढ़ा जाता है तो उसको ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा जाता है, और क्योंकि महाराष्ट्र की कोर्ट में ये फैसला सुनाया गया लिहाजा मराठी में वो ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा गया है, लेकिन जो उसका मुख्य आधार था वो यही था कि एट दिस स्टेज यानी कि जांच जिस दिशा पर है या जिस स्टेज पर है उस स्टेज पर इन लोगों को जमानत नहीं दी जा सकती। एक तरीके से जो एनसीबी जो कि जांच एजेंसी है जिसने अपनी दलीलें कल कोर्ट के सामने रखी थी उसमें भी उसका यही कहना था कि ये जो लगातार कहा जा रहा है कि हमारी जांच पूरी हो गई इस वजह से पूछताछ पूरी हो गई इस वजह से हमने इनको न्यायिक हिरासत में भेजने की बात कही है, ऐसा नहीं है। इस वक्त हमारी जांच एक अहम जो है मुकाम पर है, और रिया के लिए जो एक्टिव मेंबर ऑफ ड्रग सिंडिकेट वर्ड का इस्तेमाल किया गया था वो अदालत में सुनवाई के दौरान भी कहा गया था, और इस वजह से ये कहा गया कि ये लोग ऐसे लोग हैं जिनको अगर बाहर निकलने दिया जाता है तो जांच की दिशा प्रभावित हो सकती है, लिहाजा अभी इस स्टेज पर इन लोगों को जेल में ही रहना चाहिए, इन लोगों की जमानत खारिज होनी चाहिए। और आज जब अदालत ने अपना जो ऑर्डर का ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा है उसमें सबसे अहम उसी बात को माना है कि एट दिस स्टेज बेल्ट कान बी ग्रांटेड यानी कि जांच के इस मुकाम पर इन लोगों को जमानत नहीं दी जा सकती। बिल्कुल, मैं आपके पास दोबारा लौटता हूं। सबसे बड़ी खबर ये एबीपी न्यूज पर हमारे दर्शक देख रहे हैं, रिया चक्रवर्ती के लिए बहुत बड़ा झटका है, आपको बता दें उन्हें जमानत नहीं मिल पाई है, और साथ ही इस मामले के जो बाकी आरोपी हैं उन्हें भी जमानत नहीं मिल पाई है, यानी फिलहाल काल कोठरी में ही इनके दिन गुजरेंगे।